मोस्ट वेलकम टू आर चैनल हेलो अंग्रेज देन एट लास्ट तब जाकर फॉर्मेशन सेंटेंस वन प्लस देन एट लास्ट प्लस सेंटेंस टू तब जाकर वह समझ सका देन एट लास्ट ही कुड अंडरस्टैंड देन एट लास्ट ही कुड अंडरस्टैंड पहले मैंने खूब पैसा कमाया तब जाकर तुमने मुझसे शादी की एट फर्स्ट आई अर्न लॉट ऑफ मनी देन एट लास्ट यू मैरिड विथ मी At first I earned lot of money then at last you married with me. मैंने खूब संघर्ष किया तब जाकर मुझे यह नौकरी मिली I did struggle lot then I got this job. I did struggle lot then I got this job. Hand over. देकर आना formation. Subject plus hand over plus noun plus to plus object. मैं खाना देकर आता हूँ I hand over the food. आहन ओवर द फूड बस थोड़ा इंतजार करना मैं उसे कॉफी देकर आता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ अब ओवर कॉफी टू हिम जस्ट वेट फॉर अ बॉय अहैन ओवर कॉफी टू हिम वह बस पापा को चाबी देकर आ ही रहा है ही इज जस्ट कमिंग हैंड ओवर द कीज टू पापा ही इज जस्ट कमिंग हैंड ओवर द कीज टू पापा सब्जेक्ट प्लस गौना प्लस वर्ब गौना ग्रामेटिकली तो गलत है परंतु स्पोकन इंग्लिश में गोइंग टू के स्थान पर गौना का यूज कर सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश काफी इफेक्टिव लगे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं मैं केक खाने जा रहा हूँ आई एम गौना ईट केक आई एम गौना ईट केक मैं पढ़ने जा रहा हूँ एम गौना रीड आई एम गौना रीड सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज टू का उपयोग तब किया जाता है जब आप पास टाइम यानी कि भूतकाल में किसी चीज के शौकीन थे या फिर उसके आदि मतलब हैबिचुअल थे परंतु आज के समय आप उसके आदि या फिर हैबिचुअल नहीं है चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ध्यान रहे टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए यहाँ यूज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे मैं स्मोकिंग का आदि था आई यूज टू स्मोक आई यूज टू स्मोक मैं घर से ही काम करने का आदि था आई एम यूज टू वर्क फ्रॉम होम आई एम यूज टू वर्क फ्रॉम होम वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड कष्ट करोगे या तकलीफ करेगा फॉर्मेशन वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड क्या आप वहां जाने का कष्ट करेंगे वुड यू माइंड गोइंग टू देर वुड यू माइंड गोइंग टू दे तुम्हें क्या लगता है वह यहां आने का कष्ट करेगा व्हाट डू यू थिंक वुड ही माइंड कमिंग हि व्हाट डू यू थिंक वुड ही माइंड कमिंग हियर इसे पढ़ने का कष्ट करोगे वुड यू माइंड रीडिंग दिस वुड यू माइंड रीडिंग दिस गेट यूज टू आदत डालो या आदत में लाना फॉर्मेशन गेट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट किताबें पढ़ने की आदत डालो गेट यूज रीडिंग बुक्स गेट यूज टू रीडिंग बुक्स कुछ नया करने की आदत डालो गेट यूज डूइंग समथिंग न्यू गेट यूज डूइंग समथिंग न्यू तो फ्रेंड्स अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वह कॉलेज जा रहा है उसे पेन देकर आता हूँ वह ड्रिंक करने का आदि था मेहनत करने की आदत डालो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू आवर वीडियो फ्रेंड्स अगर इंग्लिश सिखाने का हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ वीडियो लाते रहे धन्यवाद